शास्त्र आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, शास्त्र अनुभव नहीं देंगे, यह बात हमेशा याद रखना है। 2-3 महीना बहुत तकलीफ हुई थी संभालना, तो इस तरीके से है, लेकिन जो करता हुआ ना वो मिटना चाहिए। उसको देखना है, कर्ता भाव को मिटाना है। अगर कुछ अनुभूति हुई है अंदर तो वो मिट गया कि नहीं, और ये ऐसी अनुभूति है कि आप अपने शरीर को महसूस नहीं करते, बहुत अलग एक अनंत हो जाते हो आप, आनंद की होती है उसको, एम्प्टीनेस को, नथिंगनेस को, व्हाट एवर यू कॉल इट, एकदम से आनंद, आप आनंद स्वरूप हो जाते हो, निराकार स्वरूप, जो हर गुरु ने कभी रियलाइज किया और एक ही बात को कहा वो, तो वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी भी जागरण या समाधि भी लग गई है और अंदर से बहुत बड़ा भिखारी है आप, कर्ता भाव है, चिड़चिड़ापन है, एंग्जाइटी है, झगड़े कर लेते हैं, नुकसान से आपको प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको बहुत अभी जर्नी बाकी है, अभी आगे अपने आपको धकेलना है। शास्त्र आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, शास्त्र अनुभव नहीं देंगे, यह बात हमेशा याद रखना है। अनुभव उसका नाम है जिसमें हर चीज जलने का प्रोसेस होता है, वो जलने लग जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। ठीक है संदीप जी, ध्यान में रखना है इस बात को, मैंने जो कहा दम अनंत स्वरूप का, निराकार स्वरूप, अनंत स्वरूप। आपने जो भी कहा था, मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ घटी वो सही है, लेकिन वर्तमान में अभी अभी क्या है उसे देखना है। 112 का 99 ठीक है जी, भाव होता ही नहीं जी, वो ऐसे लगता है अभी तो ये भाव तो मैं कहता वो इतना हौसला ही आता जी। नहीं, वो भाव कुछ नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, कर्ता भाव है, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, गुस्सा कैसे आ जाएगा फिर? वैसे गुस्सा आ जाता है, मतलब किसको आता है गुस्सा? आप तो पहली बात है कि ऐसी अनुभूति होगा ना किसी का, अगर सही जगह में होगा तो मेरे साथ आंख वो चिपक जाएगा, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, तो आप कोशिश करो मेरे साथ थोड़ी सी बात कर रहे हो तो आंखें में आंखें डाल के बात करने के लिए। ये गुस्सा किसको होता है? मेरे प्रश्न है गुस्सा होता है किसको? मेरे को है तो ये मेरे को अंदर है, मतलब मैं है ना, मैं है इसीलिए तो गुस्सा होता है, मैं तो मिटा नहीं, मैं मिट जाएगा तो कैसे गुस्सा होगा फिर? मैं जब तक रह जाएगा उसको गुस्सा होगा, फायदे और नुकसान पे उसको दुख होगा, चिड़चिड़ापन होगा, आसक्ति बनी रहेगी, इसको बहुत निरीक्षण करना पड़ेगा। ये गुस्सा होता किसको है, दुख किसको होता है, खुशी किसको होती है, उसको ढूंढना है, उसको स्रोत को ढूंढना है, वो कौन है जो ये महसूस कर रहा है? तो आप बोलेंगे मैं, तो मैं बचा हुआ है, इस मैं को हमें मारना है और इस मैं का स्रोत को भी ढूंढना है, ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जो मैं जहाँ से आ रहा है, जहाँ से इसका जन्म हो रहा है, वही तो ब्रह्म है, वही तो ब्रह्म है, और ब्रह्म से ही तो ये भी आ रहा है मैं, लेकिन मैं एक व्यक्तिगत अहंकार का भाव हो जाता है। जब मैं पूर्ण रूप से मिट जाता है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दुख, फायदे, नुकसान सब खत्म हो जाता है, सारा दुकान खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, कल रास्ते पे सब्जी बेच लेंगे, उसमें खुशी है फिर, कोई बात नहीं, ये काम नहीं हम कुछ और कर लेंगे, उसमें भी खुशी है आपको, हर चीज में आपको खुशी है, पर काम तो भरे पड़े हुए हैं, ये नुकसान तो वह कर लेंगे, ये नुकसान तो ये कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो उस मैं को निरीक्षण करना है, मैं को देखना है, उस मैं को ही मिटाना है,
वो मैं ही सारे दुखों का कारण होता है। जैसे मैं आने लगा था तो मेरा बड़ा भाई मेरा फोन के पर उधर ले लियो इसी को से पहले पर लियो तो मैं मान जा रहा था कि मैं जा रहा हूं इसी को पागल हो गयो ये काम रह गए मैं कहा मैं जा रहा हूं उसका बोल होता किया उसके बाद मैं दूसरा जगह पर फोन दोबारा करके डाले मेरे सामने लोग आते हैं कभी जब वहां पे मिला करते थे गुस्सा बहुत आता है झगड़ा मैं कहता हूँ आपको जितना मुझे गालियां देनी है दीजिए आपको नहीं देना है तो दूसरे कहीं कोई फॉर्मूला लगाकर कोई अनजान व्यक्ति से भी कुछ भी फॉर्मूला लगाकर गालियां दीजिए जितना गुस्सा है मुझ पर डाल दीजिए कुछ भी करना है कोशिश तो कीजिए आप। क्योंकि मैं 4 साल से निकला नहीं ना कहीं दुकान से घर से तो फिर इस बार और 4 साल से तो दे गया और ये 15 के बाद घूम जाता है। अच्छा मेरे को कह रहा है कहाँ जा रहे हैं काम रहेगा जब कोई आपको गुस्सा कर रहा है तो शांति से सुना कीजिए चुपचाप आराम से सुन लीजिए हाँ हाँ करते जाइए अंत में जो कह रहा है ठीक है बस आप जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो और ज़्यादा रिएक्ट करेगा फिर आप रिएक्ट करेंगे और सिलसिला जारी हो जाएगी और यह सिलसिला कई जन्मों तक चलते रहेगी। फिर ठीक है देखिए अगर इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे अपने धंधा बिजनेस कैसे चलाएंगे अपने बेटा बेटी भी आपको देखेंगे वही वाइब्स मिलेगी परिवार में वही वाइब्स मिलेगी वही एनर्जी मिलेगी तो बच्चे परिवार सब उसी तरह से बड़े होंगे जो देखेंगे फिर वही उनको मिलेगी वही करेंगे तो आपको तो नियंत्रण करना ही है और सबसे बड़ा है नियंत्रण करने का अपने मैं को मिटा देना करना तो आपको ही है मिटाना तो आपको ही है उसी राह पे चलकर मैं नहीं मिटा तो मुश्किल है आइए मैं मिटता है यह ख़त्म हो जाता है इसका नामो निशानी तक नहीं रहता बिल्कुल कोई जितना भी हिलाए आपको कोशिश कर ले पत्थर की मूर्ति की तरह मुर्दे की तरह आप रहोगे देखते रहोगे जीवित होते हुए भी फिर भी आपके आंतरिक शांति को हिला नहीं पाएगा वहां तक पहुंचना है आगे भ्रम भ्रम में नहीं रहना है शास्त्र वास्त्र पढ़कर और बहुत सारे गुरुओं को सुनकर भी और कभी ध्यान में कुछ घट गई तो शायद मुझे भी किसी के साथ कुछ घटती है तो उसकी जिंदगी पूरे पूरे बदल जाती है धीरे धीरे हर चीज़ें बदलने लगती है और इंसान बहुत तरोताज़ा महसूस करने लगता है पूरे जीवन को पा लिया है उसने कहीं भी किसी भी हालात में पूरे के पूरे रहता है कोई भी कुछ भी बोले वो असर नहीं पड़ेगा तो निर असर वो अवस्था होता है तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अभी ध्यान करवाऊँगा ध्यान में डुबकी लगाने के लिए कोशिश करना है।